हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी खुले बालों के लिए ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल, छोटे बालों की काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सेकंड चैनल है प्रीत तिवारी 2, जिसमें मैं अपनी ब्लॉग वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग में इंटरेस्ट है तो मेरे सेकंड चैनल पर जाइए प्रीत तिवारी 2 पे, वहाँ पे आपको मेरी ब्लॉग से रिलेटेड ऑल वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है। 24 काफी लोग पूछ रहे हैं कि मैम आपका इंस्टा आईडी मिल नहीं रहा, तो सिंपली आपको प्रीत तिवारी सर्च करना है, प्रीति नहीं लिखना है। सब लोग प्रीति लिख देते हैं जिसकी वजह से मेरा अकाउंट नहीं खुल पाता। PREET, सिर्फ टी आई नहीं लगाना है, प्रीत तिवारी। ओके, 24 लगा देना, इजिली ओपन हो जाएगा मेरा इंस्टा आईडी, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं आज आपको बता रही हूँ फाउंडेशन अप्लाई करने का सही तरीका क्या होता है। हम लोग जब मेकअप करते हैं तो मेकअप में सबसे ज्यादा जो जरूरी पार्ट होता है वो है ब्लेंडिंग एंड फाउंडेशन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ बारीकी से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। ये फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद, थोड़ा सा मेकअप करने के बाद से मैं हेयर स्टाइल की वीडियो स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फेस का CTM करना जरूरी होता है। जब भी आप मेकअप स्टार्ट करते हो तो CTM जरूरी होता है। सी मतलब क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, समझ में आ गया। क्लींजिंग मतलब, अब जरूरी नहीं है कि क्लींजिंग मिल्क नहीं है तो आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हो, आप नॉर्मली फेस वॉश से भी अपना फेस क्लीन कर लीजिए। टोनर अप्लाई कर लीजिए, टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल यूज कर सकते हो। एंड मॉइस्चराइजर, जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज करते हो अपने डेली रूटीन में वो अप्लाई कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है प्राइमर। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है, सिंपली आपको घर पे आप मेकअप कर रहे हो, प्राइमर नहीं रखते हो, आजकल तो सभी रखते हैं, बट अगर नहीं है फिर भी तो आप वैसलीन या फिर गुलाब एलोवेरा जेल प्राइमर की जगह पे अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं प्राइमर अप्लाई करूंगी। प्राइमर मेरा है हुड्डा ब्यूटी का, काफी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। लैक्मे का, हुड्डा ब्यूटी का, सिस ब्यूटी का एंड फिटमी का, ये चारों ब्रांड के फाउंडेशन प्राइमर मैंने अप्लाई यूज किए हैं। सबसे बेस्ट मुझे लैक्मे का लगता है, देन हुड्डा ब्यूटी भी बहुत अच्छा है। लॉन्ग टाइम से मैं हुड्डा ब्यूटी का भी प्राइमर यूज कर रही हूँ। हुड्डा ब्यूटी और सिस ब्यूटी के प्रोडक्ट भी मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। लैक्मे तो एक ब्रांड हो गया, बजट फ्रेंडली में आप ढूंढ रहे हो तो हुड्डा ब्यूटी और सिस ब्यूटी का अच्छा रहेगा आपके लिए। तो प्राइमर अप्लाई करने के बाद से प्राइमर का क्या काम होता है, जो हमारा मेकअप ऑक्सीडाइज होके ब्लैक पड़ जाता है उसको ये कंट्रोल करता है। आपके फेस में से जो ऑयल निकलता है या फिर पसीना निकलता है वो जो आपके ओपन पोर्स होते हैं उनको हाइड करता है, जिसकी वजह से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है एंड ब्लैक नहीं पड़ता है। इसलिए तो इस तरीके से प्राइमर लगा देंगे। कोई भी प्रोडक्ट आप अपने फेस पे अप्लाई करो, 20 से 50 सेकंड के लिए उसको सूखने दीजिए ताकि अच्छे से आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट अप्लाई करना है। उसके बाद मैं फाउंडेशन ले रही हूँ, इतना सा फाउंडेशन मैंने लिया है, 9 to 5 का है, लैक्मे 9 to 5 का प्राइमर फाउंडेशन है ये। इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, आईज के ऊपर नीचे लगा देते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अपने फेस पे इस तरीके से लगा लेना है, बहुत ज्यादा क्वान्टिटी में नहीं लगाना है। यहाँ पे आप लगा सकते हो बट नीचे आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है। ओके, उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज कर सकते हो। अगर ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज करना है तो आप फिंगर टिप से भी अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हो। मैं ज्यादातर खुद का मेकअप करते वक्त अपनी फिंगर का ही यूज करती हूँ, जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, बहुत पास कैमरे के, और कोई भी फिल्टर वगैरह यूज नहीं किया है ताकि आपको बिल्कुल क्लीन दिखाई दे। फिंगर से भी यूज कर रहे हो तो टैप टैप करना जरूरी है। मेकअप करते वक्त बहुत ज्यादा रब नहीं करना है, उससे आपका मेकअप जो है वो बाद में फट जाएगा और आपका जो फेस पे जो भी पिगमेंटेशन है उसको फुल कवरेज नहीं देगा। तो अगर आपको फाउंडेशन से सिर्फ मेकअप करना है तो दैट्स इट, आपको इतना करना है। उसके बाद से आपको अपने कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे जो मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर है यानी कि फेस पाउडर, वो भी मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लैक्मे 9 to 5 का। बहुत ज्यादा इसको यूज कर लिया है मैंने। जब भी हम लोग पाउडर यूज करते हैं तो ऐसे ऐसे नहीं लगाना है, राउंड राउंड लगाना है। इससे क्या होगा कि अच्छे से जो भी आपने बेस बनाया था, फाउंडेशन, कंसीलर, सब चीज अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आप ऐसे ऐसे करके छोड़ दोगे तो अच्छे से सेट नहीं हो पाता। डे के लिए अगर मेकअप कर रहे हो तो ये वाला जो मैंने आज किया है
इसको आप फॉलो कर सकते हो, काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड बिल्कुल भी ओवर नहीं लगता है ये। अगर आपको बिल्कुल लाइट मेकअप चाहिए तो इस तरीके से आप फाउंडेशन से भी अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं है तो। इसके बाद अपना लाइनर एंड आईब्रो पेंसिल जो भी यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। ये है जेल आईलाइनर, इससे मैं अपना आईब्रो फिल करूंगी। मिरर दीजिएगा। आईब्रो फिल करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपको नीचे से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है इस तरीके से, एंड जो भी आपके आईब्रो का शेप है वैसे बना लेना है। उसके बाद आपको इनर कॉर्नर पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है, आपको यहाँ से थोड़ी सी स्पेस देते हुए प्रोडक्ट को अप्लाई कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास ये वाला ब्रश होगा आईब्रो फिल करने वाला, इससे आपको इसको फिल कर लेना है, मिक्स कर लेना है। ओके, मिक्स करने के बाद जो आपका इनर कॉर्नर का जो पार्ट है उसको आपको इस तरीके से मिक्स करना है, प्रोडक्ट नहीं लेना है इनर कॉर्नर पे। अगर आप प्रोडक्ट लगाते हो बहुत ज्यादा तो क्या होगा, आपका जो आईब्रो है वो नेचुरल नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो आपने लास्ट में लगाई थी उसी प्रोडक्ट को धीरे धीरे लेके आना है और इनर कॉर्नर को फिल कर लेना है, जिससे कि इनर कॉर्नर पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट दिखाई ना दे और जो आपकी आईब्रोज है वो नेचुरल लगे। ओके, अब इसी तरीके से आपको दूसरे साइड का आईब्रो फिल करना है। मेकअप को कंप्लीट करने के बाद से आपको मेकअप फिक्सर जरूर लगाना है, ये भी हुडा ब्यूटी का है, काफी अच्छा मेकअप फिक्सर है। मेकअप फिक्सर लगाने के बाद क्या होता है कि आपका मेकअप जो होता है वो अच्छे से फिक्स हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ओवर नहीं दिखता है और काफी अच्छा ब्लेंड होता है। 24 घंटे के लिए आपका मेकअप वैसे का वैसे रहता है। जब भी आप फाउंडेशन लगा रहे हो, ब्राइडल मेकअप करते टाइम भी जब भी फाउंडेशन लगा रहे हो, फिक्सर अप्लाई करने के बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा। तो ये ऑलमोस्ट डन है, मैं यहाँ पे लाइनर वगैरह नहीं लगा रही हूँ, आप अपना लगा के अपने लुक को कम्प्लीट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल जो कि खुले बालों में एंड छोटे बालों में काफी अच्छा लगने वाला है, तो देखते रहिए वीडियो को। तो ये वाला हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको सिक्के क्लिप या फिर बॉबी क्लिप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 बॉबी क्लिप्स ले ले रही हूँ। ओके, ये 4 हैं, 2 यहाँ से आपको हेयर को उठाना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है एंड आपस में इसको ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से एक लेयर लेंगे और ये दोनों ट्विस्टिंग के बीच में से इस तरीके से निकालेंगे और देखिए इस तरीके से ध्यान से दिख रहा होगा, यहाँ से इसको नीचे की तरफ खींच देंगे, उसके बाद इसको अगेन ट्विस्ट कर लेंगे। ट्विस्ट करने के बाद फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करना है, एक लेयर लेना है और इन दोनों ट्विस्टिंग के बीच में से इस तरीके से लेके जाना है और इसको नीचे छोड़ देना है, फिर इनको आपस में ट्विस्ट करना है, फिर से सेकंड एक और लेयर लेंगे और इन जो हमारा ट्विस्टिंग था इसके बीच से इसको निकालेंगे और ट्विस्टिंग को इस तरीके से रखेंगे और फिर से ट्विस्ट कर देंगे। ऐसे ही करके जितना लंबा आपको बनाना है वैसे बना लीजिए। खुद से बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि आए, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली बना लोगे। तो मैंने यहाँ पे क्राउन एरिया तक के हेयर को लिया है, बस 4 लेयर। ओके, अब इनको आपस में ट्विस्ट करते जाएंगे। और इसको बैक साइड में बॉबी क्लिप से सिक्योर कर देंगे। और भी ज्यादा और खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए एक लेयर और ले सकते हैं आप। ओके, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो हमने
इस लेयर में से निकाला था उसी वाले लेयर को पकड़ना है, कोई और नहीं लेना, जो हमने यहाँ से निकाला था वही लेयर पकड़ेंगे और इनके सेंटर से निकाल देंगे और फिर इसको आपस में ट्विस्ट कर देंगे। फिर जो हमारा सेकंड लेयर था ये रहा, इसको पकड़ेंगे सेंटर से निकालेंगे, अगेन ट्विस्ट करेंगे। फिर जो हमारा थर्ड लेयर था वो लेंगे यहाँ पे, और जो हमारा ये ट्विस्टिंग थी उसके बीच से इसको रखते हुए इस तरीके से अगेन ट्विस्टिंग को ट्विस्ट कर लेंगे। फिर जो हमारा फोर्थ लेयर था वो भी लेंगे और इसके सेंटर से इसी तरीके से निकालेंगे और आप खुद से इतना खूबसूरत सा डिफरेंट सा हेयर स्टाइल बना के पार्टी वगैरह के लिए रेडी हो सकते हो। गर्ल्स के लिए काफी अच्छा लगेगा। जिसको आप डालिए आपने, आपके बाल छोटे हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हो। उसी क्लिप को क्रॉस करते हुए लगाएंगे और ये हमारा एक साइड का जो है वो बन के रेडी हो गया है। इसी तरीके से सेम आपको दूसरी साइड बनाना है। तो मैं आपके वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी लॉन्ग है बट आप पूरा देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर यहाँ पे मैंने टू पार्ट में इसको डिवाइड किया, इस तरीके से क्रॉस किया है। ओके, फिर यहाँ से लेयर लिया है और लेयर को इन दोनों ट्विस्टिंग के बीच में से निकाल देंगे। फिर इनको आपस में क्रॉस कर लेंगे, इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे। फिर से जो लेयर लेना है वो लीजिए इस तरीके से ट्विस्ट करते जाएंगे। ओके, फोर लेयर हमने उस साइड लिया था तो इधर भी हमने चार ही बार लिया हुआ है। और यहाँ पे बैक में क्लिप से सेट कर देंगे। ओके, अब फिर से सेकेंड लेयर लेंगे और जैसे हमने इस साइड में बनाया था वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे। और ध्यान से जो लेयर हमने पहले लिया था वही लेयर दोबारा उठाना है। इस तरीके से पूरा हेयर स्टाइल आप कंप्लीट करोगे। अब जो हमने पहले क्लिप लगाए थे जस्ट उसके ऊपर ही ले जाके इसको भी सिक्योर कर लेंगे। तो जिस तरीके का लुक आएगा उसको थोड़ा सा और खूबसूरत दिखाने के लिए आपको सेंटर से थोड़ा सा हेयर लेना है एंड टू पार्ट में डिवाइड करके आपस में ट्विस्ट कर देना है। एंड तक पूरा ट्विस्ट करेंगे इसको। ओके, उसके बाद इसको सिंपली इस तरीके से राउंड राउंड लपेटते हुए लेके जाएंगे और जहां पे हमारी क्लिप्स थी वहां पे इसको रखेंगे जस्ट क्लिप के ऊपर।
जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो रहा है वैसे आप रख दोगे और यूपीएन से इसको सिक्योर कर दोगे, जिससे कि जो आपका हेयर स्टाइल का लुक है वो और भी प्यारा लगेगा। जितनी यूपिंस लग रही है उतनी आप लगा दीजिएगा। इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए आप यहाँ पे एक फ्लावर वाला यूपिन लगा सकते हो। तो ये है फाइनल लुक हेयर स्टाइल का। छोटे बालों के लिए बेस्ट रहेगा, बच्चों पे भी बना सकते हो एंड कुर्ती के लिए, साड़ी के लिए, सब पे ये काफी अच्छा लगेगा। ओपन हेयर स्टाइल है। खुले बालों में अगर आप कुछ अच्छा सा, यूनिक सा, डिफरेंट सा, अट्रैक्टिव सा हेयर स्टाइल चाहते हो तो ये ट्राई कर सकते हो। तो आज का मेकअप और हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हेयर स्टाइल भी देख लीजिए। बाय बाय।